नीचे उतरने का रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये अब उतरो बंदर की तरह नीचे, जैसे चढ़े थे वैसे ही उतरो अभी। पावना लेक, पावना झील जिसे पावना बांध जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जलाशय लूनावाला से 25 किलोमीटर दूर है और पुणे और मुंबई के लोगों के लिए पिकनिक और कैंपिंग साइट के रूप में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये पुणे और मुंबई के पास सबसे अच्छे कैंपिंग साइटों में से एक माना जाता है। पावना झील जिसे पावना बांध जलाशय और पावना झील के रूप में से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य महाराष्ट्र में एक जलाशय से कृत्रिम झील है जो पुणे जिले के पावना नदी पर पावन बांध द्वारा बनाई गई है। तिकोना फोर्ट एक पहाड़ी फोर्ट है और ये मुंबई के पास प्रसिद्ध ट्रैकिंग जगहों में से एक है। 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये फोर्ट चारों ओर से त्रिकोणीय है। खास बात यह है कि जब इस फोर्ट को आप पावना डैम में से देखेंगे तो यह आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस फोर्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है कि इस फोर्ट को किसने बनाया, पर कहा जाता है कि 7-8 सेंचुरी AD में मलिक अहमद निज़ाम शाह वन ऑफ द निज़ाम शाही डायनेस्टी ने इस फोर्ट को कॉन्कर किया था और 1585 में इस फोर्ट को निज़ाम टेरिटरी में शामिल किया गया था। हेलो 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 हेलो, इधर आइए, व्लॉग इधर से चालू होता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपने पहले ही देख लिया होगा, आज हम जा रहे हैं पावना लेक जो लूनावाला से करीबन 30 से 35 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ से उसके डिस्टेंस तकरीबन 2.5 से 3 घंटा है बाई बाइक। मैं आपको दिखा देता हूँ और एक मिनट रुकिए। तो आज हम जाएंगे ये देखिए पावना केव्स, 2 घंटा 30 मिनट 95 किलोमीटर्स। तो चलिए चलते हैं, पहुँचते हैं आराम से, कहीं रुकेंगे, कहीं नाश्ता करेंगे और आपसे बात करेंगे। चलिए। तो वैसे हम बताना भूल गए कि अभी तो सवेरे के 4:40 4:30 घर से निकले थे, द्रोणागिरी पहुँचे। धीरे धीरे करके जाएंगे आगे, आराम आराम से जाएंगे। यहाँ लाइट थी तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, अच्छा चलो कुछ ना कुछ अच्छा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे और आपको मिलते रहते हैं, बीच में आप लोगों से बात करते रहते हैं। वैसे तो मैं पहली बार जा रहा हूँ पावना लेक, सुना तो मैंने था बट गया कभी नहीं। अभी सोलो जा रहा हूँ, इन फ्यूचर फिर फैमिली भी जाऊँगा कैंपिंग करने के लिए, बच्चा भी छोटा है इसलिए ले जा नहीं पाता हूँ। ठीक है कोई नहीं। अभी कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 5:06 हो रहा है यार। अभी चलो यार आराम जा रहे हैं, ठंडी तो नहीं हो रही पर प्लेजेंट मौसम हो रहा है, एकदम मस्त मौसम हो रहा है यार। तो गाड़ी चला चले ना थोड़ी सी झपकी झपकी डाक हुआ वैसे आ रही है। मौसम इतना प्लेजेंट है क्या करें, कोई नहीं। चलो मेरे को लगा थोड़ी सी झपकी आई, इससे अच्छा आप लोग से बात ही कर लेता हूँ यार, तो झपकी वपकी नहीं आएंगी। खैर ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो तो थोड़ा सा आदमी को सुस्ती आती है, स्ट्रेट रोड है, गड्ढे नहीं आ रहे, सीधा चलता जा रहा है, कोई नहीं। या क्या टोल नाका, और हमारी डेस्टिनेशन अभी भी है 1 घंटा 40 मिनट दूर, 60 किलोमीटर दिखा रहा है गूगल। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने बैंड इधर क्यों पहना है, मैंने मोबाइल को आगे क्यों नहीं लगाया है, तो अभी मेरे पास आगे लगाने का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि स्कूटी में ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ठीक है, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बैंड हाथ में सिक्योर्ड है और मेरे लिए ईजी पड़ रहा है। चलिए इधर कुछ खाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते फिर निकलेंगे आगे आराम आराम से। खैर इधर खाने के लिए आमलेट भुर्जी का होता, खैर हम खा नहीं रहे, नवरात्रे चल रहे हैं, आज लास्ट दिन है, उसके बाद कल से हम खा सकते हैं नॉनवेज। चलिए यार हम पहुंच गए खंडाला, चढ़ते चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे, चढ़ाई चढ़ रहे। लोनावाला इस बार हमको क्रॉस करके आगे जाना है और घड़ी में बज रहे हैं 6:21। ठीक है आराम आराम से जा रहे हैं, कोई जल्दी तो है नहीं, हमको आराम आराम से जाएंगे और आराम आराम से पहुंचेंगे। जल्दी का काम शैतान का भाई, हम आराम आराम से जाएंगे। लोग इधर जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। टेम्परेचर बाहर का बोलो तो बहुत ही सुहाना टेम्परेचर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ना ठंडी है ना गर्मी है, एकदम मस्त वाला टेम्परेचर है, मतलब 25-26 डिग्री वाला वैसा टेम्परेचर। चढ़ाई चढ़ते 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 क्रॉस करते लोनावाला, फिर आपको आगे मिलते हैं।
कितना ही सुंदर लग रहा है भाई यहाँ से। ये देखिए नीचे खपोली शहर, ये खंडाला घाट और एक्सप्रेस वे से आ रहे लोग। हम भी अभी आगे जाके एक्सप्रेस वे मिलेंगे, हमको जाना ऊपर ऊपर। देखो वो लगा कोहरा, अगर दिख रहा है कैमरे में तो, पर पूरा कोहरा लगा। चलिए बढ़िया है यार, चलिए ये हम जुड़ गए भाई एक्सप्रेस वे से। आज पीछे की तरफ से नहीं गए भाई, आज हम आगे की तरफ से आए हैं। हमको डायरेक्ट आगे निकलना है, अंदर जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, बहुत ट्रैफिक है भाई, फिर वीकेंड है ना आज, लोग घूमने निकलेंगे। जैसे हम निकले वैसे लोग भी निकलेंगे घूमने, वीकेंड है। ट्रक का तो ट्रैफिक रहता ही है, गाड़ियों का भी ट्रैफिक है, वीकेंड में लोग घूमने निकलते हैं। अब सब रिस्ट्रिक्शंस मोस्टली तो हो गई है ख़त्म, तो इसलिए लोग शायद लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में निकल रहे हैं। वैसे भी हाँ सही बात है। हाँ भाई जा रहा जा रहा, जानते भाई जा 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 जा। देखो पीछे से हॉर्न सुन रहे हो आप, क्या खतरनाक हॉर्न है। चलिए ये ट्रक खराब हो गया, इसकी वजह से पूरा जाम लग गया। एक लेन तो पूरी जाम हो गई ना इसकी वजह से। देखो ये ट्रक खराब है, ये रास्ता देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये हम हाईवे से कट के अंदर मिले राइट, मुड़े राइट में, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और ऐसे ही रास्ता रहेगा। एकदम सुनसान, ना ज़्यादा ट्रैफिक है ना कुछ है। पहाड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, विलेज ही विलेज है, घर ही घर है। और इस तरफ देखो ये पहाड़ों के बीच में से लगता है रास्ता बनाया है इन्होंने, पर ये मस्त लग रहा है। टेम्परेचर हाँ थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है, ज़्यादा नहीं है पर थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है। अच्छा बीच में मंदिर भी बना है, श्री केदारनाथ जी मंदिर। ओके रास्ते के बीच में मंदिर था तो रास्ते के बाजू से गए पर मंदिर नहीं हटाया। चलो बढ़िया है, जय हो श्री केदारनाथ। तो यार आखिरकार हम पहुँच ही गए और आगे लेक है और बहुत सारी चीज़ें इधर एक्सप्लोर करने के लिए। बोटिंग भी होती है वो आगे से, बट अभी शायद बंद है। और फोर्ट्स भी है इधर एक्सप्लोर करने के लिए ऊपर, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो पावना लेक में तो हम पहुँच गए, ये है आगे से लेक, देख लीजिए। यहाँ पे जो आपको ये फोर्ट दिख रहा है ये त्रिकोणा फोर्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ये तुंगड़ फोर्ट है। यहाँ पर गाड़ियाँ जाती है, जाना तो जा सकता आदमी। देखता हूँ मैं, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज मैं तो इधर पे खाली भी तो डैम ही देखने आया था और पावना लेक देखने आया था। फिर बोटिंग वोटिंग तो होती है, देखते हैं आगे चल के पानी की तरफ जाते हैं थोड़ा सा। अरे अभी धूप बहुत गिर रही है यार, सवेरे सवेरे 9 बजे, जल्दी आ गए हम, जल्दी नहीं हम जल्दी निकले थे, जल्दी आएंगे। खैर कोई नहीं, पानी तो एकदम ग्रीन है, सही है यार। चलो चलते हैं पानी की तरफ। वो क्या नाम, गूगल देख कर आते हैं और गूगल में लिखा है था स्विमिंग अलाउड नहीं है, बट इधर आके तो कुछ अलग ही सीन है। कैंपिंग की जगह है, सब जगह देखिए कैंपिंग है, लोग नहा रहे हैं बस। हम तो कुछ लाए नहीं थे नहाने धोने के लिए, वैसे भी हम नहाने धोने आए नहीं थे। नेक्स्ट टाइम अभी फैमिली के साथ आएंगे तो नहाएंगे धोएंगे ज़रूर। फिलहाल तो अभी ये देख लेते हैं, फ़ोन बज रहा है, डालेगा पानी में पाऊँ, नहीं डालना यार मन नहीं कर रहा। पानी कितना ग्रीन है यार,
ये देखिए। तो नेक्स्ट टाइम जब कैंपिंग लाएंगे तो अपना टेंट लेकर आने का, मस्त खाना पीना इधर पे बना के लेकर आने का, खाने का इधर मस्त बैठ के कैंपिंग लेक साइड। चलो यार यहाँ से चलते हैं, आपको आगे कैंपिंग दिखाता हूँ और उनकी जो चार्जेस है वो मैं आपको गूगल से दिखा दूँगा। खैर कोई नहीं, इधर के नाइट के चार्जेस है क्या है वो देखिए। एक छोटी टाइप बना रखी सामने, छोटी सी घर पर आप बैठ सकते हैं आराम से कोने में। तो ऐसे ही है, लोग आ रहे हैं इधर कैंपिंग कर रहे हैं। सोलो आप आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको कैंप पर लेना है। अगर आप रात में नहीं आ रहे, आप सुबह आ रहे, जैसे मैं आया सवेरे घर से निकल के, आप आ सकते हो, दिन भर इधर कैंप कर सकते हो। अपना खुद का टेंट लाओ, टेंट लाने की ज़रूरत नहीं, चादर लाओ बिछाओ, फैमिली के साथ आओ रिवर साइड, लेक साइड सॉरी, और अपना कैंपिंग करो, खाना खाओ, बस अच्छी जगह कैंप पर करने के लिए। कोई चार्जेस कोई कुछ मांग नहीं रहा है, टॉयलेट भी इधर बना रखे हैं फॉर टूरिस्ट, तो वो भी आप यूज कर सकते हो, बस और क्या है, सही है। पर क्या है, इधर गंदगी मत फैलाना जब भी आओ। चलिए ये देखिए सामने ये सब गाने वाने बज रहे हैं, देखिए टूरिस्ट लोग आ रखे हैं। ये है लोकेशन, तो आपको मालूम ही होगी गूगल में डालोगे तो, जैसे मैं पहुँच गया तो ऐसा ही है। ये छोटे 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 बना रखे हट्स, हट्स टाइप, तो उसके चार्जेस रहते हैं, चार्जेस आपको ऑनलाइन पता चल जाएंगे, ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो। चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, हमारा उधर है तो हम यहाँ से निकलेंगे और सीधा जाते हैं पहले फोर्ट की तरफ, देखते कौन सा फोर्ट जा पाते हैं। ठीक है चलिए, बाकी तो वीडियो की शुरुआत में आपको पता ही चल जाएगा, पता चल गया होगा पावना लेक के बारे में, जो मैंने डिस्क्रिप्शन शेयर कर दिया है, एड्रेस भी शेयर कर दूँगा, है ना, एक छोटा सा वीडियो बना के पावना लेक का, और आप इधर विज़िट कर सकते हैं फिर उस हिसाब से। ठीक है चलिए, ये देखिए इधर वॉशरूम है और इधर पे हट्स है, ऐसे आप टेंट ले सकते हो रात को सोने के लिए, ब्रेकफास्ट आपको लोग प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा इंक्लूडेड रहता है इनका। ये देखिए गाना भी लगा है, आपको डांस करना, डांस भी करो, कोई ज़्यादा टेंशन की जगह नहीं है, सेफ़ है एकदम, ओपन है बट सेफ़ है, बहुत सारे लोग आए हैं ना। चलिए चलो आपको आगे का जगह दिखाता हूँ, जस्ट कैंपिंग साइट्स दिखाता हूँ आपको, और क्या धीरे धीरे करके। डॉगी लोग बहुत चिल्ला रहे भाई, क्यों चिल्ला रहा है मेरे भाई, चिल्ला के क्या मिलने वाला है। तो ये है ऊपर जाने की जगह, सबसे नीचे उतरे थे, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी बट फिर भी एडजस्ट कर लेना। ओके चलिए बैक टू नॉर्मल, देखते हैं वो फोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जाते हैं। आवाज़ अगर क्लियर नहीं आ रही है तो थोड़ा प्लीज़ इस बार झेल लेना कि अभी मैंने डायरेक्ट लगाया, तो देखते हैं अभी उधर कोई रिजॉर्ट जा सकते, अगर वो फोर्ट जा सकते तो फोर्ट जाएंगे, है ना। आगे जाता हूँ मैं, अभी हाईवे आने वाला है तो हेलमेट वेलमेट पहनता हूँ और फिर चलते हैं अपन फोर्ट की तरफ और मिलते हैं आपको फोर्ट में। एक फोर्ट तो ज़रूर जाएंगे, चाहे दो तीन तीन फोर्ट्स हैं इधर पर, एक तो ज़रूर जाऊँगा मैं, है ना, आया हो तो जाके आता हूँ, और आधा एक घंटा सही। ये है यहाँ का प्रपोज पॉइंट, देख लीजिए यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है नीचे। नीचे मैंने अपने DSLR से मस्त फोटो खींची है दो मोर की, शायद इसमें नहीं दिख रही होगी, वीडियो भी निकाली हुई है बट इतना लंबा रेंज नहीं है, लेकिन मेरे को अपने आईज से दिख रहा है दो मोर आपस में खेल रहे हैं, देखने देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है। और अपने को जाना है वो त्रिकोणा फोर्ट, तो उधर के लिए निकलते हैं, है ना, चलते फिर आगे त्रिकोणा फोर्ट में मिलते हैं आपको। तो देखिए हम कहाँ आ गए हैं, हम आ गए हैं पावना डैम में, ये देखिए आगे पावना डैम देख रहे हैं, यहाँ तक हम गाड़ी लेकर आ गए, बट इसके आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, ये डैम का कोई काम चल रहा है, लाइट लगा है, नीचे लोग कपड़े भी धो रहे हैं, जूम करता हूँ।
बहुत अच्छी हवा चल रही है, आपको विंड नॉइज़ तो आ ही रही होगी। ये डैम का काम चल रहा है। चलिए चलते आगे, चलते फोर्ट की तरफ। चलो भाई, जिसका डरता हुई ट्रैकिंग करके जाना, ऊपर आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे से 45 मिनट। ये देखिए गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, पानी की बोतल इस बार ले ली है मैंने हाथ में। चलोगे ट्रैकिंग करते करते, आपको भी ट्रैकिंग कराएंगे, बात करेंगे। सही है, हर संडे हमारी एक्सरसाइज हो रही है यार ट्रैकिंग करने की। हर जगह जाओ, वहाँ चढ़ना ही चढ़ना है, बस क्या कर सकते हैं। चलते हैं, चलिए यही आगे का रास्ता। ये है किले का इतिहास लिखा है, कोई नहीं, मैं इसके बारे में बता दूंगा शुरुआत में वीडियो की। अब फिर मिल जाएगा किले के बारे में। ये शायद पेन पार्किंग की जगह है, चलना आगे से। चलो भाई आगे से चलते हैं, फिर पेन पार्किंग की जगह। ऊंचाई लंबाई सब मराठी में लिखा है, जिनको समझ में आता है ठीक है उनके लिए, जिनको नहीं समझ में आता हिंदी में बता दूंगा। चलते हैं आगे, यही रास्ता है दादा, हाथ रास्ता। हाँ, ओह एवरी संडे ट्रैकिंग हो रहा है भाई। चलो कुछ नहीं, जंगल के रास्ते, कहाँ कहाँ किले बनाए हुए। महाराष्ट्र में ना किले बहुत है भाई, सही है वो शिवाजी जी महाराज जी के बहन के सब किले हैं, सही है। चलते और कल ही हमने नए जंगल बूट लिए, मैंने तो ऐसे ले लिए थे, ये देखिए मेरे नए जंगल बूट। चलो इनकी आज टेस्टिंग हो जाएगी कि कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। वैसे तो कंफर्टेबल है एकदम, स्पोर्ट्स से ज़्यादा कंफर्टेबल है जंगल बूट। त्या ठिकाणी चौकी पहारी असतात। अच्छा, म्हणजे कोण हैरागेरा आला किंवा कोण वकील आला तर त्या वकिलानं हिथं याच। अच्छा, आणि हिथून तिची तसदी जी काय, तिची जी काय बातमी आहे वरती पोहोचणार। अच्छा, म्हणजे आक्रमण सुद्धा काय झालं तर मेठ इथनं बघणार काय दिसते आपल्याला। अच्छा अच्छा, आता हिथून आपल्याला लोहगड विजापूर दिसतात। आता हा बाले किल्ला वितंडगडचा। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? मैं कोल्हापुर से। आप कोल्हापुर के? अच्छा, सभी आपकी चप्पल भी कोल्हापुर की पहनी। हाँ। चढ़ गए, अब मैं बैठ गया हूँ। किला वो सामने है, जाएंगे भी थोड़ी देर में, तब तक तो मैं बैठ के आपको खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। ऊपर चढ़ने की हिम्मत जुटा दी है, जाते हैं। वो ऊपर जाने, देखो लोग उतर रहे हैं वहाँ से, वो किला ऊपर है जहाँ फ्लैग लगा हुआ है। जाते आधे रास्ते आए, अभी आधे रास्ते और चढ़ना है। चलते जाएंगे ऊपर फिर आएंगे, है ना। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी ना, अच्छी लग रही तो इसी बात में एक लाइक हो जाए, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट ज़रूर करो यार, कमेंट कोई नहीं करता, मैं देखा लोग वीडियोज़ देख के निकल जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करता। खैर वो आपके ऊपर, आपको करना नहीं करना है, बाकी मुझे तो क्या है, आपको एक्सप्लोर कराना है वो मैं करा रहा हूँ। चलिए तो अभी आपने जो क्लिप देखी भाई, बहुत मेहनत लगती है ऊपर तक 20 लीटर की बोतल पानी लेकर आने के लिए, सामान लेकर आने के लिए, लोगों के लिए कितनी मेहनत करती है। बाकी सल्यूट है भाई, सल्यूट। अब मुझको ऐसे चढ़ने की प्रॉब्लम होगी, 20-20 लीटर पानी लेके चढ़ रही है, सही है यार। तो एटलास्ट हम किले के एंट्रेंस में पहुँच ही गए। ये देखिए किले का एंट्रेंस, शायद कुछ काम चल रहा है। मारुति जी की मूर्ति देख ही ली होगी आपने, पत्थर में बनाई हुई, मस्त है यार। इतने ऊपर भी लोग आके करते हैं, पूजा करते हैं उसकी।
आवाज इधर गूंज रही है शायद आगे किला है। ये एक रास्ता ऊपर चढ़ना है, उसके बाद किले के एंट्रेंस से 50 फीट से होता है ना वो एक उत्सुकता आते वाले लोगों को पूछ लेने का भाई कितना दूर है, और दिमाग को बैठाने का भाई इतना और चलना है, मालूम नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा, बस वही है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या भंडारा था क्या था मालूम नहीं, खाना बन रहा है पर इधर ये देखिए ऐतिहासिक वस्तु सूचना। चलते स्टेप लेते लेते ये स्टीप एकदम चढ़ने के लिए चले, दम लगाते चढ़ते ऊपर, एकदम स्टीप है भाई, चले इसको बोलते हैं स्टीप। कितने एक एक फुट के है यार ये तो स्टेप्स, इसके ऊपर भी है भाई तो इधर तो ऐसे बंदर की तरह चढ़ना पड़ेगा, बंदर की तरह चढ़ेगा तो कैमरा कैसे पकड़ेगा भाई। चलो चलते, ये देखो नीचे स्टेप्स, और ये देखो नीचे गांव, वहाँ से हमने चलना चालू किया था नीचे जो पार्किंग है वहाँ से, चलते 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 यहाँ बैठे हैं बाले किले में। सबसे छोटा सा गढ़ है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, किला ही किला है। चलते और अंदर, और हमेशा की तरह यहाँ की जो हिस्ट्री है वीडियो की शुरुआत में ही बता दी मैंने, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो पीछे जाके हिस्ट्री देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये सामने लेक दिख रहे वही लेक में देख रहे सवेरे, ठीक है। मेरे कैमरे की बैटरी भी गिर रही है, ज़्यादा देर चलेगी नहीं, किला जाता हूँ उसके बाद वीडियो को इधर ही क्लोज कर देंगे। चलिए नहीं, पानी कहाँ से है यार इधर इतना, इसमें ऊपर पानी जमा, बॉय गॉड ये चढ़ना है अपने को, ये ऐसे चढ़ना है। शिवाजी महाराज की जय। तो ये है तिकोना किला, ओके यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ से क्या तो फायरिंग तो रखते थे क्या रख जगह, नीचे देखने के मालूम नहीं। यही है तिकोना किला बस, इसके ऊपर ऐसे भी जाना लग नहीं है, तो ये है पूरे चारों तरफ से तिकोना, शायद इसलिए बोलते हैं तीन तरफ का होगा, तो यही था तिकोना किला। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, कैमरे की बैटरी डाउन हो गई, कोई नहीं। तो आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइए। सो दिस इज़ योर होस्ट राहुल रावत साइनिंग ऑफ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। नीचे उतरने का रास्ता दिखाता हूँ आपको, ये अब उतरो बंदर की तरह नीचे, जैसे चढ़े थे वैसे ही उतरो अभी।